वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के शुक्र से बिल्कुल ठीक हूँ। तो वेलकम बैक टू माय चैनल, और जो मेरे चैनल पर न्यू हैं उनको भी मेरे चैनल पर खुश आमदीद। तो गाइज, ये है मेरे 8वें सहरी की तैयारियाँ। यहाँ पे मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आज क्या बनाऊँ सहरी के लिए सालन। तो मेरे पास जो भी अवेलेबल था मैंने वही बना लिया। मेरे पास छोले बॉयल रखे हुए थे, मैंने वो निकाले फ्रीज़र से, और जल्दी से मैंने निकाली चिकन, तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से बना लेती हूँ मुर्ग चने का सालन। तो यहाँ पे मैंने हाफ कप जितना ले लिया था ऑयल। बहुत ज़्यादा मैं ऑयल इसके अंदर शामिल नहीं करूँगी, बस हाफ कप जितना आपने इसके अंदर ले लेना है ऑयल। और उसके बाद मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी चिकन, और चिकन को मैं कर दूँगी कवर, क्योंकि चिकन जो है मेरी बहुत ज़्यादा फ्रीज थी तो वो चुट 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 बोल रही थी। तो यहाँ पर मैं 4 से 5 मिनट के लिए इसको अच्छी तरीके से कर दूँगी कवर, और उसके बाद जब इसकी चुट चुट बंद हो जाएगी तब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर और 2 अदद फ्राई प्याज, 2 अदद मीडियम साइज़ जितनी फ्राई प्याज, क्योंकि मैं रेडीमेड प्याज यूज़ करती हूँ तो इसलिए मैंने अपने अंदाजे से ली थी। अगर आपको फ्रेश प्याज यूज़ करनी हो तो या तो आप एक बड़े साइज़ की या फिर 2 छोटे साइज़ की, मतलब मीडियम साइज़ की प्याज ले सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें मैंने इसके अंदर शामिल कर दी हैं। मैं इसके अंदर शामिल करूँगी कुछ स्पाइसेस, जिसमें है सॉल्ट 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, उसके अलावा मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, उसके अलावा मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था धनिया पाउडर 1 टीस्पून। तमाम चीज़ों की क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। उसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था 2 चुटकी जितना जायफल जावित्री का पाउडर। अच्छी तरीके से मैं इसको भूनूंगी। बहुत ही बेसिक से मसाले हैं जो कि आराम से सबके घर में अवेलेबल होते हैं, और जल्दी जल्दी से कुछ समझ में नहीं आया तो अब इस तरीके से कुछ भी जुगाड़ वाला खाना बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जुगाड़ वाला खाना बनाया था। तो यहाँ पे जो है वो 5 से 7 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर दिया था ताकि चिकन जो है हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, तो आराम से अलग हो जाए। तो यहाँ पे टमाटर और चिकन बहुत अच्छे से हो चुके हैं सॉफ्ट। टमाटर इतने ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके थे कि चम्मच मारने से, मतलब हल्का सा चम्मच चलाने से भी पूरे टूट रहे थे। अब इस स्टेज पर मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी चने, और चने शामिल करने के बाद मैं इसको मिक्स करूँगी, क्योंकि चने भी जो है हमारे बहुत ज़्यादा फ्रीज हैं। नेक्स्ट डे मुझे फ्रेश चने भी बॉईल करने थे, तो इसलिए भी मैंने जो है ये चने ख़त्म कर दिए बना के, ताकि रिस्क जो है वो ज़ाया ना हो। उसके बाद जो है मैं इसको कवर कर दूँगी 5 से 7 मिनट के लिए ताकि अच्छी तरीके से ये भी मेल्ट हो जाए। और अब इसके अंदर मैं इस स्टेज पर शामिल करूँगी 1 गिलास भर के पानी, और उसके बाद जो है इसको 1-2 उबाल आने तक का मैं वेट करूँगी। जब इसमें अच्छी तरीके से 1-2 उबाल आ जाएंगे तब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी लास्ट में कसूरी मेथी, पिसा हुआ गरम मसाला 1/2 टीस्पून जितना, हरा धनिया, हरी मिर्ची और पुदीना। यहाँ पे मैं बना रही थी अंडे, क्योंकि सालन खाने का मेरा दिल नहीं चाह रहा था। वैसे मेरा अंडा खाने का भी दिल नहीं चाह रहा था, बट मैंने मजबूरी में बना लिया था। उसके बाद साथ में यहाँ पे बन रही थी चाय, क्योंकि अफ्तारी और सहरी में चाय नहीं मिले तो मज़ा नहीं आता। अच्छा, अंडा खाने के बाद मेरा बीपी बहुत ज़्यादा जो है वो लो हो जाता है। किस किस का बीपी लो होता है मुझे आके आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही थी लस्सी, जिसके लिए मैंने ले लिया था 1/2 kg जितना दही। इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी 5 टेबल स्पून जितनी शुगर, और उसके बाद मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी दूध 1/2 kg जितना। उसके बाद मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी ठंडा पानी या बर्फ़, आपके पास कुछ भी हो आप वो शामिल इसके अंदर कर सकते हैं। और बस अच्छी तरीके से मैं इसको चला लूँगी तो ये लस्सी भी हो जाएगी हमारी बिल्कुल रेडी। मेरे जो बर्फ़ के क्यूब्स हैं वो जमे नहीं थे, तो मैंने इसके अंदर बहुत ज़्यादा ठंडा पानी शामिल किया था, तो इससे बहुत ठंडी लस्सी बनी थी। तो बस यहाँ पे लस्सी भी बन के हो चुकी थी मेरी रेडी, और सालन भी रेडी था अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको मेरी सहरी की ये रूटीन कैसी लगी, रेसिपी कैसी लगी, आपको मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में आके बताना है। और यहाँ पे नेक्स्ट डे मैं देख रही थी अपना बहुत फेवरेट शो जीतो पाकिस्तान। जीतो पाकिस्तान कौन कौन शौक से देखता है मुझे आपको ज़रूर बताएगा। अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक सबके रमज़ान बहुत 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 अच्छे गुजरवाए, बहुत ही अच्छे गुजरवाए। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में होगी आप लोगों से मुलाकात। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, हमारे मुल्क के लिए करिएगा बहुत सारी दुआएं। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।